प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कैबिनेट में गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कम करने का फैसले को लेकर रक्षाबंधन में गृहिणियों को एक बड़ा उपहार दिया है। पीएम ने यह उपहार दिया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी है। वहीं उज्ज्वला योजना में 400 रुपए की कटौती की गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता गदगद हैं। झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने पीएम का धन्यवाद दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में नरेंद्र मोदी सरकार ने 200 रुपए गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी है, जो रक्षाबंधन का उपहार है और केंद्र सरकार के इस कदम से महिलाएं बेहद खुश हैं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष मंडल की पूर्व विधायक भगवती कुजूर जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा झारखंड प्रदेश की प्रभारी आदरणीय आरती सिंह जी, और साथ ही साथ हमारे महामंत्री मंजू लता जी, और उपस्थित सभी प्रेस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी बंधु भगिनियों को मेरी ओर से नमस्कार जोहार, और सभी को भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज का यह प्रेस वार्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से, आप सभी प्रेस मीडिया के माध्यम से आभार और धन्यवाद करना चाहेंगे। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के अवसर पर पूरे देश की बहनों को घरेलू गैस में प्रति गैस 200 रुपया और हमारी उज्ज्वला बहनों को जो पहले फ्री में 200 और साथ में 200 कुल 400 रुपये का राहत या कहते रक्षाबंधन का एक सौगात दिया है। इस रक्षाबंधन के सौगात में हम सारे देश की बहनें उनका आभार व्यक्त करती हैं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष मंडल की पूर्व विधायक भगवती कुजूर जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा झारखंड प्रदेश की प्रभारी आदरणीय बागमारा में ग्रामीणों ने बीसीसीएल के पीबी एरिया अंतर्गत पुटकी गोपालीचक में संचालित जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस के खिलाफ युवा एकता मंच के ग्रामीणों ने महाधरना दिया। साथ ही लोगों ने जीटीएस कंपनी का चक्का जाम भी किया है। महाधरना में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि नियोजन और विस्थापन समेत 8 सूत्री मांग को लेकर कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया है। अगर कंपनी उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने वादा खिलाफी की है। वहीं लोगों के धरना प्रदर्शन से 3 से 4 घंटे तक कंपनी का काम पूरी तरह से ठप रहा। आखिरकार कंपनी के प्रबंधन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, विरोध कर रहे लोगों के साथ बातचीत की जाएगी। ये बीसीसीएल हम लोग सब आकर यहाँ पे और मैनेजमेंट दोनों यही बोला कि यहाँ का जितना भी जो कंपनी आएगी यहाँ के लोकल लोगों को नियोजन दिया जाएगा, विस्थापन के बगल में घर दिया जाएगा। विस्थापन के लिए तो मुद्दा यहाँ पूरा जंगल काट दिया है, और उसका जब नियोजन की जब बात आया तो 5 दिन आज 30 तारीख को वार्ता करने के लिए बोला था कि 30 तारीख को हम वार्ता करेंगे नियोजन के लिए, लेकिन तीनों शिफ्ट में काम चलने लगा कंपनी का, ना तो कंपनी का अभी तक यहाँ चपरासी हमारे लोगों ने लगा है, ड्राइवर का दूर के बात में है। और जब अभी हम लोग जब गाड़ी रुकवाए हैं तो ये पूरा आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट अब पुटकी प्रशासन हम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। अब बोल रही है कि आप हट जाइए यहाँ से वरना केस में हम लोग फंसा देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या नीति आप लोग, हम लोग घर जा रहा, हम लोग प्रदूषण है, हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन कंपनी जब तक हम लोग नियोजन नहीं कर, हम लोग डटे रहेंगे, भीड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दी, एकदम अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। मांग हम लोग का यही है, हम ग्रामीणों का मांग है, यहाँ भी हम लोग ग्रामीण जो भी प्रभावित है, कंपनी हम लोग से बात की थी कि आप लोग से वार्ता करेंगे, आपको जेरेडा तरफ से घर देंगे, रोजगार देंगे। यहाँ पर जो 75% झारखंड सरकार द्वारा जो नियम लाया गया कि
जो भी विस्थापित है जो यहाँ लोकल है उसको 75% का रोजगार दिया जाएगा। अभी तक कंपनी हम लोग से सिर्फ बात कर रही है, बरगला रही है। अभी तक ना हम लोग से लिखित कोई आश्वासन दिया है, ना कोई भी अभी तक बात करने के लिए कोई कंपनी तरफ से आया है। सिर्फ हम लोग को आश्वासन फोन पे देती है कि आपसे वार्ता होगा। 30 तारीख का डेट दिया गया था, वो भी आज